हेलो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग की ग्रामर की सीरीज चल रही थी उसी सीक्वेंस में आज हम लोग क्लास 15 स्टार्ट करेंगे। हम आपको बताएंगे क्लास 15 में कुछ और अच्छे रूल जिसकी मदद से आप अपने एकेडमिक पेपर प्लस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दोनों अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 में क्या कहा गया है, ठीक है, कुछ सेंटेंस उसमें लिखे हुए हैं। ही हैज लेफ्ट फॉर लखनऊ लास्ट नाइट या ही हैज लेफ्ट फॉर लखनऊ एज इट इज। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जब आपको सेंटेंस में सिंपल पास्ट बात करेगा जहां पे क्या होगा टाइम, यानी कि अगर सेंटेंस में टाइम की बात करेगा तो हम लोग को सेंटेंस किस में रखना है, सिंपल पास्ट में। अगर सेंटेंस में एक्शन की बात करेगा, अगर सेंटेंस में एक्शन की बात करेगा तो हम लोग रखेंगे इसमें प्रेजेंट के परफेक्ट में। तो आइए देखते हैं, जैसे मिलेगा सी और ही हैज लेफ्ट फॉर लखनऊ लास्ट नाइट। लास्ट नाइट मतलब हुआ बीता हुआ, तो लास्ट नाइट सिंपल आया, क्या यहाँ पे आया टाइम आया, और टाइम आने के कारण यहाँ पे हम लोग क्या देखे, लास्ट नाइट क्या डिनोट करेगा, टाइम डिनोट करेगा। जब टाइम डिनोट करने के कारण हम लोग इसमें इसमें रखना है सिंपल पास्ट में, यानी कि हैज हटा देंगे बाकी सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा। लेफ्ट है बल्कि सेकेंड फॉर्म, यानी कि पास्ट सिंपल पास्ट में हो गया। फिर दूसरा देखना है, दूसरा है ही हैज लेफ्ट फॉर लखनऊ, तो इसमें क्या है एक्शन है टाइम नहीं है, इसमें क्या है एक्शन है टाइम नहीं है। तो लेफ्ट मतलब जाना या छोड़ देना लखनऊ के लिए, तो क्या हो जाएगा इसमें प्रेजेंट का परफेक्ट, ये सेंटेंस एकदम सही है। फिर इसके बाद तीसरा सेंटेंस देखते हैं, शी हैड सीन द मूवी यस्टरडे। अब यस्टरडे भी यहाँ पे देखेंगे क्या है टाइम की बात है, तो आपको पता है यस्टरडे भी तो टाइम डिनोट करेगा, जहां पे टाइम डिनोट करता है वहां पे हमको सिंपल पास्ट रखना है, तो यस्टरडे तो हैड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसको हटा देंगे, शी सॉ। सी की सेकेंड फॉर्म होती है सॉ, थर्ड फॉर्म होती है सी। फिर आते हैं चौथा सेंटेंस देखते हैं, चौथा क्या है, 2 years ago the earthquake had destroyed the city। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टाइम की बात हो रही है एक्शन की, तो आपने देखा यहाँ पे लिखा है सिंपली क्या, 2 years ago, यानी कि ये किसकी बात है टाइम की बात है, तो यहाँ पे हैड काट के क्या कर देंगे सिंपल डिस्ट्रॉयड कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जाम्पल जो मेरे द्वारा बताए गए चारों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ और नए एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं कुछ और एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करने का प्रयास करते हैं। देखते सबसे पहले क्या लिखा है, नया सेंटेंस में है, आई वॉज हियरिंग द डॉग बार्किंग लास्ट इवनिंग। हियरिंग हम लोग के सेंसेस से रिलेटेड है, तो जहां पे सेंसेस से बात आती है तो वहां पे आईएनजी फॉर्म नहीं बनती, सबसे सिंपल बात आपको ये तो जरूर पता होनी चाहिए। जहां पे सिक्स सेंसेस की बात आएगी उसकी आईएनजी फॉर्म लोग नहीं बनाएंगे। तो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैं अकॉर्डिंग टू इस रूल के जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें क्या लिखा है, लास्ट इवनिंग, लास्ट इवनिंग यानी कि पास्ट की बात की गई, तो वॉज हियरिंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा सिंपल पास्ट में सिर्फ और सिर्फ हियर्ड हो जाएगा, आई हियर्ड अ डॉग बार्किंग पास्ट इवनिंग। फिर अगला सेंटेंस देखते हैं, न्यूटन हैज डिस्कवर्ड दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मेक्स एप्पल फॉल। अब आपको हम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो डिस्कवरी हुई थी ये हम लोग की पास्ट की डिस्कवरी है, क्योंकि न्यूटन ने डिस्कवर किया था कि ग्रेविटेशनल का वो पास्ट में डिस्कवर किया था, तो यहाँ पे प्रेजेंट का यूज वैसे भी नहीं करेंगे, तो इसको काट देंगे, किसको किस में कर देंगे सिंपल पास्ट में, यानी कि डिस्कवर क्या हो जाएगा डिस्कवर्ड हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये एग्जाम्पल भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा, आई हैव टेकन माय लंच, आई हैव टेकन माय लंच, यानी यहाँ पे क्या शो हो रहा है एक्शन शो हो रहा है, तो एक्शन शो होने के कारण यहाँ पे हैव टेकन एकदम सही होगा, यानी इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। फिर लास्ट एग्जाम्पल देखिए, लिखा आई हैव टेकन माय लंच एंड आवर एगो। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिंपल टाइम दिया हुआ है, कब मैंने अपना लंच लिया था 1 घंटे पहले, तो यहाँ पे टाइम देने के कारण यहाँ पे उसमें कर देंगे सिंपल पास में, तो हैव कट जाएगा, क्या कर देंगे आई टेकन माई, टेकन भी नहीं होगा टुक हो जाएगा, सॉरी टेक टुक सेकंड फॉर्म होती है, आई टुक पहली फॉर्म टेक है, दूसरी होती है टुक एंड थर्ड वन इज टेकन, एक यही है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, आई टुक माई लंच एन आवर एगो। तो ये जो रूल नंबर 15 है ये उम्मीद करता हूँ आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट रूल के साथ।